हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लर्न माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे हेयर आई विल डिस्कस अबाउट द दिनचर्या। ओके, तो दिनचर्या का एक ऑलरेडी एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पे, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट अवर द फॉर्मेट, द पर्टिकुलर LAQ का जो फॉर्मेट हमारा कैसा होना चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो दिनचर्या यू ऑल नो वेरी वेल, जो हम पूरे डेली लाइफ डेली डे में जो रेजिमेन हम जो फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर दिनचर्या। ओके, तो दिनचर्या दैट इज डेफिनेशन ऑफ अवर दिनचर्या। तो दिनचर्या का जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई विल नॉट डिस्कस द होल पर्टिकुलर दिनचर्या और होल क्रम व्हाट वी आर फॉलोइंग इन अवर होल डे। ओके, जस्ट आई विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर LAQ, इफ द पर्टिकुलर LAQ केम विथ अवर दिनचर्या। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो आंसर का जो फॉर्मेट है ना, वो कैसा होना चाहिए एंड विच पॉइंट वी हैव टू मेंशन देयर, दैट आई विल डिस्कस हियर। तो दिनचर्या इन डिटेल, लेट्स बिगिन अवर द पर्टिकुलर टुडेज क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिनचर्या आपको हेड देना है। ओके, तो देन फॉलोड बाय परिभाषा, दैट नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ अवर दिनचर्या। तो दिनचर्या प्रतिदिन किया जाने वाला जो आहार है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज है, इफ़ यू आर सुचेबल विथ इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, ओके, यू कैन राइट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज इन योर पेपर। इफ़ यू आर पर्टिकुलर जो बोलते हैं कि सुचेबल विथ इंग्लिश, तो हिंदी में पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली यू कैन राइट इन इंग्लिश एज वेल। तो दैट इज़ नॉट मैटर, आयुर्वेदा के जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज इन योर क्वेश्चन, इन योर पर्टिकुलर पेपर। ओके, तो प्रतिदिन किया जाने वाला आहार, विहार एवं चेष्टा, जो एक्टिविटी जो होती है उन्हें हम चेष्टा बोलते हैं, जो कि अपने लिए हितकारी हो, ओके, दैट इज कॉल्ड अवर दिनचर्या। दिनचर्या का उपदेश क्यों करना है, क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये हमारा, अगेन मैं रिपीट करूँगा कि जो पर्टिकुलर जो डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो जिस पर्टिकुलर दिनचर्या का मैंने वहाँ पे पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उस पर्टिकुलर जो वीडियो का जो लिंक है मैंने मेंशन किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, डिटेल मीन्स जो पूरा जो क्रम है ना, उस पूरे एक एक क्रम में क्या किसको इंडिकेशन है, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इसके यूजेस होते हैं, उनके कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट है, पूरा पर्टिकुलर जो कंटेंट है मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। जस्ट यहाँ पे मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, होल जो एक्सप्लेनेशन है दैट आई विल नॉट डिस्कस हियर। तो दिनचर्या का उपदेश देखिए, व्हाई वी हैव टू परफॉर्म अवर दिनचर्या और व्हाई वी हैव टू परफॉर्म द होल रेजिमिन एज पर अवर आयुर्वेदा और एज पर अवर आचार्य व्हाट दे सेड। तो दिनचर्या का उपदेश अल्टीमेटली यही रहता है कि जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ओके, तो स्वस्थ जो पर्टिकुलर जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे, और अगर कोई पेशेंट अगर आतुर है, आतुर मीन्स अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको कोई रोग हुआ है, तो उसको रोग रहित करना, ये पर्टिकुलर हमारे जो आयुर्वेद का क्या है, ये मेन एम है। ओके, तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, दिस इज अवर एम ऑफ आयुर्वेदा, एंड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर एम वी हैव टू फॉलो अवर दिनचर्या। ओके, ये देखिए महत्व बताया गया है, शरीर और मन की शुद्धि के लिए दोष इससे प्रकोप नहीं होता है अगर दिनचर्या हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो। कर्तव्य निष्ठता एवं नियमितता, ओके, नियमितता ये हमें कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए, कंसिस्टेंसी ये होना चाहिए, रेगुलरली ये पर्टिकुलर दिनचर्या हमें फॉलो करना है। प्रसन्नता, सहनन प्राप्ति तथा निरोगी शरीर प्राप्ति के लिए पर्टिकुलर हमें क्या करना है, दिनचर्या फॉलो करना है। ओके, ये देखिए दिनचर्या का क्रम आप देख लीजिए, ये पर्टिकुलर आपका थर्ड पॉइंट होगा रिगार्ड इन योर पेपर। तो दिनचर्या क्रम देखिए, ब्राह्म मुहूर्त जागरण, उषा जलपान, ओके, उषा मीन्स दैट नथिंग बट मॉर्निंग में जो जलपान करते हैं, जो हॉट वाटर जो लेते हैं। ओके, शरीर चिंता, मल उत्सर्ग, दंत धावन, जीवनी लेखनम, मुख प्रक्षालनम, प्रक्षालन मतलब क्या होता है, वॉशिंग, ओके, और लेमन में धोना जो बोलते हैं, ओके, मुख को जो हम वॉश करते हैं दैट इज कॉल्ड अवर मुख प्रक्षालन। ओके, अंजनम कर्म, ओके, देन प्रतिमर्शनस्य, कवल तथा गंडूष, धूमपान, तांबुल सेवन, देन शौर्य कर्म, अभ्यंग अभ्याम, शरीर परिमार्जनम, स्नान, वस्त्रादि धारण एंड मध्यान्हचर्या। तो ये पर्टिकुलर जो कर्म है, एक एक हम इनके कुछ फ्यूज पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज डिटेल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने जैसे आपको बताया। तो ब्राह्म मुहूर्त जागरण में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षातम आयुष्य। ओके, तो जल्दी उठने से क्या लाभ होता है, आपकी जो लाइफ होती है, लॉन्जिटिविटी ऑफ योर लाइफ गेट इन्हांसेस। ओके,
काल बताया गया है कि कब आपको उठना है। तो सूर्योदय के 4 घड़ी से, यानी कि ये देखिए यहाँ पे बताया समय से लेकर 48 मिनट प्रियोर टू सूर्योदय, दैट इज़ अवर ब्राह्मी मुहूर्त टाइम। ओके, ये पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना है, उठना है। तो ये जो पर्टिकुलर जो टाइम था, ये पहले के आचार्यों का टाइम था। वो पहले इतना जल्दी उठते थे, क्यों उठते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले जल्दी सोते थे। लेकिन अभी के पर्टिकुलर लाइफ में पीपल आर स्लीपिंग एट 10, 11, 12, ओके, मैक्स टू मैक्स 12 तक सो जाते हैं। तो पर्टिकुलर जो ब्राह्मी मुहूर्त का जो टाइम है आज के टाइम में, वो सबके लिए वैरी करेगा। ओके, दैट नथिंग बट 6 o'clock होगा किसी का 5 o'clock होगा। तो ये जो पर्टिकुलर जो टाइम वेरिएशन है, ये डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हुआ। लेकिन जो मैनर बताया गया ब्राह्मी मुहूर्त जागरण का, सूर्योदय के पहले बताया गया है। ओके, दैट यू हैव टू कंसिडर हियर। ओके, तो 48 मिनट प्रियर टू द सूर्योदय, दैट इज अवर अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अवर ब्राह्मी मुहूर्त जागरण। देन वाई इसके मतलब जल्दी उठने से क्या इसकी उपयोगिता है, देखिए, ईश्वर स्मरण तथा अध्ययन हेतु श्रेष्ठ काल है। मन के सात्विक गुणों की वृद्धि होती है अगर इस पर्टिकुलर टाइम में अगर उठते हैं। अगेन आई विल रिपीट हियर कि जो पर्टिकुलर मैंने आपको बताया ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठित स्वास्थ्य रक्षा था माई सर, 48 मिनट प्रियर सूर्योदय और सनराइज हमें उठना है, ये हमने स्टेटमेंट देख लिया। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया कि प्रॉपर जो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, ये क्या करेगा, वेरी करेगा। ये वेरिएशन आचार्य ने मेंशन नहीं किया है, ये वेरिएशन जो है हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हमें दिनचर्या फॉलो करना है, हमें जल्दी उठना है। तो जल्दी उठना है मीन्स जो हमारी जो निद्रा है, दैट शुड बी अवर 7 to 8 hours। ओके, वो पूरी पर्टिकुलर जो निद्रा है कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो जल्दी उठ गए, लेट सोए, दैट इज़ नॉट अ रूल हियर। ओके, तो अयोग देखिए कौन कौन से लोगों को जल्दी नहीं उठना है, बालक है, रुग्ण है, रात्रि जागरण करने पर तथा अजीर्ण व्यक्ति। अगर कोई बंदा अगर रात्रि जागरण करता है तो उसे पर्टिकुलर जो ब्राह्मी मुहूर्त जो उत्तिष्ठ है, ये रूल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 AM, 3 PM, 3 AM वो स्लिप कर रहा है, वो निद्रा में जा रहा है। एंड देन अल्टीमेटली वो 5 o'clock, 6 o'clock अगर वो उठता है, डेफिनेटली इट विल हार्म टू द पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, तो ये पर्टिकुलर अयोग्य व्यक्ति बताए गए हैं, इनको ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठित स्वस्थ रक्षा आयुष या फिर ब्राह्मी मुहूर्त जागरण का ये रूल फॉलो नहीं करना है। ओके, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको मेंशन करना है इन फर्स्ट पॉइंट। उषा जलपान, सुबह उठ के आपको जलपान करना है। विच काइंड ऑफ जलपान, उष्ण जलपान। ओके, उष्ण जलपान, उष्ण मतलब लुकम वाटर आपको ड्रिंक करना है। तो ब्राह्मी मुहूर्त में उठकर पिए जाने वाले जल को उषा जलपान कहते हैं। कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, लेस देन 1 liter। ओके, देन लाभ बताया गया कि अर्श, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, उदर रोग, कुष्ठ, मेद विकार और जो भी कुछ ENT जो होते हैं उससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे क्या करता है, ये उसको रिलीफ देता है। तो उषा जलपान इज नेसेसरी आफ्टर ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठित। ओके, देन शरीर चिंता, शरीर की स्थिति जानकर मल उत्सर्ग आदि के लिए जाएं, अर्थात रात्रि का भोजन जीर्ण है या नहीं, मल का वेग प्रवृत्ति हुआ या नहीं, यह जानकर ही पर्टिकुलर मल को क्या करें, इवैक्यूएट करें या फिर मल का त्याग करें। वेग प्रवृत्त होने पर ही मल त्याग करें, अन्यथा वात प्रकोप जन्य रोग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पर्टिकुलर बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि प्रमाण इज नॉट नेसेसरी हियर। ओके, इफ वेगा इज कमिंग देन अल्टीमेटली वो वेगा का निर्हरण होना चाहिए, अदरवाइज वेगा को जो बोलते हैं ना कि स्टिमुलेट करना, दैट इज नॉट फिनोमेना हियर। आपको उसको स्टिमुलेट नहीं करना है, अगर वो वेग आते हैं तो उसको निकालिए, अदरवाइज वो डेफिनेटली वो नॉर्मल टाइम पे आएंगे जब भी उसको आना होगा, क्योंकि जो दोष होते हैं नॉर्मली उनका रूट पता होता है कि कब उसको निकलना है, कहाँ से निकलना है। ओके, तो आपकी क्या यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टिमुलेट नहीं करना है। ओके, प्रवाहन इज नॉट इंडिकेटेड इन ड्यूरिंग पर्टिकुलर योर मल उत्सर्ग। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ब्राह्मी मुहूर्त में हमने जागरण किया, सेकेंड हमने क्या देखा पर्टिकुलरली उसका जलपान किया, देन आपको क्या करना है, शरीर चिंता करना है। ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट योर बॉडी कि अल्टीमेटली मैंने नाइट में ये फूड कंज्यूम किया था या फिर मेरा ये मील था, ये मेरा डिनर था, एंड पर्टिकुलरली डिनर जो है ये टोटली मेरा डाइजेस्ट हो गया है, एंड नाउ आई एम फील वेरी लाइटली, एंड जो पर्टिकुलर जो मेरा जो आज का डे रहने वाला है दैट विल बी सरप्राइज फीलिंग। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जो चिंता है ना आपके खुद के बॉडी के रिगार्डिंग, ये आपको सुनना उसके क्या पर्टिकुलर अगेंस्ट उसके लिसन करना है, और आपके बॉडी के पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं, जो पर्टिकुलर जो इंद्रियां होती हैं, उनके जो गुण हैं उनको जानकर आपको एक्टिविटी पूरे उस पर्टिकुलर डे में करना है। ओके, मल उत्सर्ग का बताया गया, ये देखिए वेग प्रतीत होने पर, तो शरीर चिंता कर लिया आपने, आपकी पूरी बॉडी लाइट हो गई है,
ओके, देन आप क्या करोगे, मल उत्सर्ग के लिए जाओगे। ओके, तुभे का प्रतीत होने पर दिन में उत्तर मुख रात्रि में दक्षिण मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। आचार्य ने पहले के टाइम में जो एक जो बाथरूम्स वगैरह जो फैसिलिटीज थी, लैट्रिन वगैरह जो फैसिलिटी थी, वो अभी के टाइम में है, पहले के टाइम में अल्टीमेटली ओपन बाथरूम्स वगैरह रहते थे। ओके, तो उस पर्टिकुलर का रूल यहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। तो मल उत्सर्ग के मेनली आचार्य क्या बोलते थे कि जो मॉर्निंग का टाइम होता था वो उत्तर मुख होना चाहिए, और जो पर्टिकुलर ये देखिए रात्रि के टाइम में वो क्या करते हैं, दक्षिण मुख में उन्होंने बोला है। तो मल उत्सर्ग के समय मौन रहें, अन्य कार्य ना करें, वस्त्र धारण किए रहें तथा सिर को ढके रहें। बेग को प्रयत्न पूर्वक नहीं निकालना चाहिए, प्रवाहन नहीं करना है। भूमि को तृणादि से ढककर मल उत्सर्ग करें। मलमूत्र आदि का वेग उपस्थित होने पर अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ओके, आपका जो वेग आया है वो वेग पहले निकालिए, बाद में आप एक्टिविटी कर सकते हो, क्योंकि एक बार वेग अगर जो आ रहे हैं अगर आपने उसका निर्वहन नहीं किया, डेफिनेटली दोष विल गेट विशेटेड और दोष गेट प्रकोपित, और प्रकोपित हो जाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के ऊपर आते हैं। ओके, डेफिनेटली वो आते हैं, क्योंकि प्रकोपित दोष कहीं ना कहीं तो बॉडी में वो रिसाइड करेगा ही करेगा, और वहाँ पे वो क्या करेगा, अपने एसुरेट सिम्टम वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो मल उत्सर्ग के लिए उचित स्थान बताया गया है, ये देखिए जो भी कुछ आपके रास्ते में या फिर जो भी कुछ ये स्थान बताया गया आप देख लीजिएगा। लाभ बताया गया कि कांति बल प्रदान है, आयु वृद्धि करता है, अग्नि प्रदीपन का कार्य करता है अगर प्रॉपर आप वेगों को निकालोगे तो। ओके, शरीर में लघुता, ये पर्टिकुलर दरिद्रता का नाशक है। दंत धावन देखिए आपका 5th पॉइंट आएगा, तो दंत धावन है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू मेंशन कि जो दंत धावन में जो दातुन, ये जो दातुन जो हम यूज़ करने वाले हैं, ओके, वो पर्टिकुलर कैसा होना चाहिए, वो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। ओके, लंबी होनी चाहिए, वो कनिष्ठ अंगुल के समान मोटी होनी चाहिए, सीधी इरेक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, एंड पर्टिकुलर उसमें कोई बोलते हैं ना थॉर्न्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी थॉर्नलेस, और उत्तम भूमि में उत्पन्न रस एवं वीर से पूर्ण होना चाहिए। ये दातुन का वर्णन किया है यहाँ पे दातुन ने, तो देखिए उपयुक्त रस और वृक्ष बताए गए कि कटु तिक्त कषाय रस वाले दातुन ही आपको यूज़ करना है। ओके, ऐसा नहीं कि मीठे या फिर जो स्वीट इन टेस्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके मैंने क्या किया है, स्टेम्स के पार्ट ले लिया है और उससे मैं दातुन वगैरह कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ रूल हियर। जो रस होता है कटु तिक्त कषाय होना चाहिए। ओके, सुश्रुत ने मधुर रस की दातुन का भी उल्लेख किया है कुछ कंडीशनों में। तो वृक्ष बताया गया, देखिए मधुक है, करंज है, नीम है, खदीर है, तो तिक्त रसात्मक जो दातुन जो होता है जो पॉपुलरली है, दैट इज आवर एज अ डायरेक्टा इंडिका, दैट इज नथिंग बट आवर नीम। चूर्ण तथा कल्प का बताया गया है, अगर दातुन नहीं कर सकते, दातुन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर डेफिनेटली ब्लीडिंग वगैरह है, कुछ भी तो है, ओके, वी नॉट एबल टू दातुन आवर टू आवर टीथ, तो डेफिनेटली चूर्ण हम ले सकते हैं। ओके, चूर्ण, चूर्ण मीन्स पाउडर, पाउडर किसका, हर्बल द्रव्य का। ओके, तो त्रिकटु चूर्ण ले लीजिए, त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, उसको आप क्या करिए, पर्टिकुलर हैंड्स के जो फिंगर्स हैं उस फिंगर से आपके जो टीथ है चूर्ण लीजिए और उसको क्या करें, रब करिए। ओके, दैट इज नथिंग बट आवर चूर्ण तथा कल का यूज इन आवर दंत धावन। ओके, तो इससे लाभ क्या होता है कि जीवा और मुख के जो मल होते हैं अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, उनका नाश हो जाता है, और भोजन में रुचि भी होती है। दातुन का निषोध कब कब करना, नहीं करना है। ओके, तो ENT के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यू शुड कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू योर सेल्फ, ओके, विद दंत धावन। अजीर्ण अवस्था में नहीं करना है। ओके, और भोजन करने पर दंत धावन नहीं करना है। ओके, मूर्छा और मध्य से पीड़ित और अर्धित फेशियल पैरालिसिस में यू हैव टू नॉट परफॉर्म योर दंत धावन इन योर डेली रेजिमेन। ओके, जीवनी लेखनम, जीवनी लेखनम मीन्स जो जीवा जो टंग को स्क्रैप करता है, ये भी नेसेसरी है हमारे पर्टिकुलर दंत धावन की एक्टिविटी में ही आता है। ब्रश कर लिया हमने, जो पर्टिकुलर चूर्ण हमने लिया या फिर दातुन लिया, वट एवर वी हैव टेकन, बट अल्टीमेटली लेने के बाद हम क्या करते हैं, माउथ को कवल गंडूस वगैरह जो भी कुछ करते हैं, करने के बाद हम क्या करते हैं, ये तो दांतों की क्लीनिंग होगी, बट टंग की क्लीनिंग हम किससे करते हैं, टंग स्क्रैपर से करते हैं। ओके, तो यू हैव टू स्क्रैप द पर्टिकुलर टंग, क्यों स्क्रैप करना है, कि जो पर्टिकुलर जो मल होते हैं वो टंग के ऊपर भी रिसाइड होते हैं, तो उसको निकालने के लिए जीवन निलेखनम इज इम्पॉर्टेंट। तो जीवन निलेखनम के लिए कौन से पर्टिकुलर जो मेटल है उस जीवन लेखनम के लिए जो स्क्रैपर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस मेटल का बना होना चाहिए, तो दैट शुड बी प्रिपेयर विथ आवर गोल्ड, पर्टिकुलर सिल्वर, ओके, कॉपर का होना चाहिए, तांबा, पीतल का भी हो सकता है तो भी चलेगा। ओके, ये आचार्य ने मेंशन किया है। तथा वृक्षों की टहनियों से निर्मित कोमल, चिकनी और अति तीक्ष्ण सीधी जीवी
जीबी से जो मल को पीछे से आगे की ओर जो क्लीन करता है, दैट इज यूज्ड हियर. ओके, तो मेटल अगर नहीं है डेफिनेटली हम कांड या फिर जो स्टेम होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जो मैनर बताया गया है वो उस मैनर का होना चाहिए. दैट शुड बी स्मूथ, दैट शुड नॉट बी हैव एनी थॉर्न्स. ओके, पर्टिकुलर वो कोमल होना चाहिए. ओके, स्मूथ होना चाहिए, पर्टिकुलर कोई थॉर्नलेस होना चाहिए. ओके, अदरवाइज वो क्या करेगा, टंग के ऊपर अल्सर या फिर टंग को क्या करेगा, वो इरोज करेगा. इसके लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट देखिए, तो लाभ बताने की ज़रूरत नहीं है. डेली लाइफ में हम करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ये भी हम पता है, तभी हम करते हैं, डेफिनेटली हम उस तभी करते हैं. मुख प्रक्षालनम, चीरी वृक्षों के क्वात या आंवले के क्वात या शीतल जल से दूध मिलाकर मुख नेत्रों को आपको क्या करना है, धोना है. ओके, जो हम पर्टिकुलर जो प्रक्षालन करते हैं, ओके, प्रक्षालन माउथ वॉशिंग या फिर जो हम फेस वॉशिंग जो करते हैं, उस पर्टिकुलर के लिए कौन से द्रव्यों का क्वाथ या फिर क्वाथ अवेलेबल नहीं है, तो जो पर्टिकुलर जो मिल्क होते हैं, मिल्क विथ जो वाटर हमें प्रिपेयर करना है और उसके थ्रू हमें क्या करना है, वॉश करना है. तो मुख प्रक्षालन और जो हमारे जो फेस जो होते हैं उनको क्लीनिंग कैसे करना है, दैट इज़ नथिंग बट अवर 7th पॉइंट. अंजन कर्म कोरिलियम, चरक के अनुसार आँखों को तेजों में बनाने के लिए अंजन कर्म इज इम्पॉर्टेंट. अंजन के दो टाइप होते हैं, ओके, सौभिरंजन और रसांजन. सौभिरंजन नाम से समझ में आ रहा है, सो यहाँ पे है, यानी कि सब दिन सौभिरंजन का यूज़ करना है. ओके, अंजन मीन्स कोलेरियम, कोलेरियम मीन्स लेमन में काजल जो बोलते हैं. ओके, तो सौभिरंजन यानी कि ये एक टाइप ऑफ अंजन है जो कि आपको रेगुलरली यूज़ करना है. रेगुलरली मीन्स रेगुलरली, ये आपकी डेली रेजिमेन में आएगा. लेकिन रसांजन जो है ना, ये दारू हृदय से प्रिपेयर होता है और ये पर्टिकुलर वीक के एंड में आपको लगाना है. ओके, या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वन वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक, दैट इज अवर पर्टिकुलर रेजिमिन रिगार्डिंग विथ अवर रसांजन. ओके, तो क्यों करना है ये भी बताया गया कि इसके रात्रि में करना चाहिए रसांजन का उपयोग. अंजन द्वारा जो निर्मल आंखें जो सूर्य के तेज को नहीं सह पाती है, वो पीड़ा होती है, वो पर्टिकुलर क्या होता है, वो उसके कैपेबल हो जाती है. ओके, नस्य कर्म, नासायाम प्रणयमानम औषधम नस्यम. मतलब एक और इसका श्लोक रिगार्डिंग विद अवर नस्य का आता है कि ऊर्ध्व जतुर विकारेषु पर्टिकुलर नस्य से, ऐसा कुछ समथिंग श्लोक है कि जो पर्टिकुलर जो नासा ही शिष्य द्वारा हम पर्टिकुलर जो हमारा नासा जो होता है, नेजल जो ओपनिंग है ना, हम ब्रेन में जाने के लिए या फिर हेड के रीजन में जाने के लिए पर्टिकुलर जो हमारी ओपनिंग है, दैट इज़ अवर नेजल ओपनिंग. ओके, तो शिरो और मन्यागत जितने भी दोष होते हैं उनको निकालने के लिए, मन्या मीन्स जो हमारे नेक है, ओके, तो नेक और हेड के रीजन के जो मल हैं उनको निकालने के लिए हम नस्य कर्म करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अवर नेजल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, दैट इज नस्य कर्म. तो ऊर्ध्व जत्रु गत एवं सर्व शरीर शुद्धि के लिए नासा द्वारा से औषध तथा औषध सिद्ध तेल डालने की क्रिया को क्या करते हैं, नस्य करते हैं. तो मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड घृत हम क्या करते हैं, एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप क्या करते हैं, हम नस्य डालते हैं. नस्य के भी कुछ टाइप्स वगैरह बताए गए कि शुश्रुत के अनुसार उन्होंने शिरो विरेचन के भेद के अनुसार शिरो विरेचन, अवपीडन नस्य, प्रदमन नस्य, नावन नस्य और प्रतिमन नस्य, ये पांच टाइप के नस्य बताए गए, जो कि मैंने एक जो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये सभी टाइप्स को. ओके, थोड़े थोड़े बारे में अगर इसको बता दो, एक्सप्लेन करो, तो पर्टिकुलर अवपीडन नस्य होता है कि जो प्लांट के हर्बल का कल्क बनाकर जो जूस हम निकालते हैं, जो हम स्वरस जो निकालते हैं वो अगर हम लेते हैं, तो दैट इज नथिंग बराबर अवपीडन नस्य. प्रबंध नस्य में हमें चूर्ण यूज़ करना है. प्रतिमन नस्य में हम रेगुलरली दो दो ड्रॉप इन बोथ नेजल ओपनिंग वी आर पुटिंग. ओके, विधि बताया गया कि दिनचर्या पालन हेतु प्रतिमन नस्य का प्रयोग करना चाहिए. आड़ू तेल की दो बूंदे, आड़ू तेल फेमस नस्य के लिए यूज किया जाता है. ओके, नासा द्वारा में डालते हैं. नस्य में प्रयुक्त किया गया नस्य जब थोड़ी छींक आने पर मुख में आ जाए तो उसको ठीक प्रमाण में जानना चाहिए. ओके, लाभ बताया गया क्या है, पर्टिकुलर काल बताया गया कि वात तथा कफ दोषों को प्रकोप होने पर नस्य का प्रयोग करना चाहिए और नस्य के 14 काल बताए गए हैं, दैट यू हैव टू रिमेम्बर. देन कवल तथा गंडूस, ये कुछ पर्टिकुलर कवल तथा गंडूस के बारे में बताया गया कि द्रवों की उतनी मात्रा जिसे मुख में घुमाया जा सके, दैट इज़ कवल, और गंडूस में इतनी मात्रा आपको भर लेना है कि आपका माउथ जो है वो मूव नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ नथिंग बराबर गंडूस. ओके, तो कल्क का प्रयोग करना है कवल में और द्रव को मुख में घुमाना है कवल में. ओके, गंडूस में देखिए द्रव क्वात जल फांडे का हम उपयोग कर सकते हैं और द्रव को मुख में रखकर धारण करना है. तो कवल और गंडूस का डिटेल
एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, जो दिनचर्या जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कवल गंडूस एक्सप्लेन किया है, बट एक सेपरेट वीडियो है ऑलरेडी मैंने बताया है कि कवल और गंडूस को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और कवल और गंडूस के जो टाइप्स है ओके फोर फोर टाइप्स आते हैं वो भी मैंने वहाँ पे उस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो स्नेह कवल स्नेह गंडूस, प्रसादी कवल प्रसादी गंडूस, शोधन कवल शोधन गंडूस एंड रोपण कवल और रोपण गंडूस। तो माउथ अल्सर जो इरोजन वगैरह जो हुए रहते हैं माउथ में, जो ब्लीडिंग वगैरह जो होती हैं ओके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना था, कवल तथा गंडूस रेगुलरली हमें यूज़ करना रहता है। अल्दो कोई अगर मुखगत रोग नहीं है तो भी हम इसको यूज़ करते हैं इन आवर डेली रेजिमेन। लाभ बताया गया है कि पर्टिकुलर स्ट्रेंथ मिलता है हमारे जो जिंजीवा है उनको स्ट्रेंथ मिलता है, देन पर्टिकुलर जो टंग होते हैं दे गेट स्ट्रेंथ। धूमपान बताया गया है औषधि द्वारा निर्मित धूमवर्ती से निकालने वाले धूम का मुख या नासा द्वारा पान करना धूमपान या धूम्रपान कहलाता है। तो धूम्रपान नॉर्मली स्मोकिंग इज नॉट हियर। तो तीन टाइप बताया गया प्रायोगिक स्नेहिक एंड विरेचनिक, अगेन मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है। विधि देखिए जिस आपको ऐसे धूमपान जो पॉइंट है आपको परिभाषा वेद और विधि लाभ ऐसे फोर पॉइंट में आपको क्या करना मेंशन करना आपके आंसर में। तो जिस व्यक्ति को धूमपान करना है धूमपान यंत्र में स्नेहयुक्त धूमवर्ती प्रज्वलित करना है और उसके थ्रू जो स्मोक आएगा दैट यू हैव टू इनहेल ओके। तो लाभ देखिए क्या 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 लाभ मिलेगा आपके, जो हार्ट थ्रोट इन्फेक्शन जो रहेंगे इंद्रिया गेट स्वच्छ ओके और दे गेट एबल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन ओके। वात पित्त कफ दोषों की शांति हो जाती है धूम्रपान करने से, धूम्रपान नहीं धूमपान करने से ओके। तांबुल पान सेवन मीन्स पान का सेवन। तो पान का सेवन मीन्स नॉर्मल पान का नहीं, पान का सेवन मीन्स जो कैम्फर है जो जातिफल है जो शीतल चीनीज हैं लवंग है लता कस्तूरी है पुग यानी सुपारी जो है एला चूना के साथ तांबुल का क्या करना आपको सेवन करना है। तो पहले के लोग यूज़ करते थे तभी एक कंटिन्यू जो कल्चर है ये आया है, लेकिन अभी ये कल्चर निकोटीन के प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। तो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है ऑलरेडी वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड होती है, बट फॉर्म जो होता है वो चेंज हो जाता है ओके। जो एक्टिविटी पहले भी होती थी अभी भी होता है बट फॉर्म ऑफ दैट एक्टिविटी गेट चेंज। तो लाभ बताएगा कि तांबुल सेवन अगर करते हो तो पर्टिकुलर इज़ नॉट मैंडेटरी कि तांबुल सेवन करना ही है डेली रेजिमिन में, तो जैसे एक आचार्य ने मेंशन किया दैट्स व्हाई आई एम मेंशनड हियर। तो मुख में निर्मलता सुगंधी कांति एवं सुंदरता आने के लिए पर्टिकुलर तांबुल का सेवन करना है। तो तांबुल सेवन किन किन द्रव्य से ये करना है ये आपको बताना है। लाभ क्या होता है काल देन अयोग्य ओके रक्त पित्त क्षतक्षीण तृष्णा मूर्छा ये सभी पीड़ित से व्यक्तियों को क्या करना है तांबुल सेवन करना है ओके। छोर कर्म देखिए जो आपके जो मुस्टिचेस हैं जो आपके बियर्ड्स हैं और जो आपके नेल्स हैं पंद्रह दिन में आपको तीन बार काटना है ओके। तो लाभ देखिए पुरुषत्व दीर्घायु सुंदरता पवित्रता लघुता उत्साह एवं सौभाग्य की क्या होती है प्राप्ति होती है और पाप का शमन होता है। 15 दिन में 3 बार आपको आपके बियर्ड मुस्टिचे और जो आपके नेल्स होते हैं नेल्स ऑफ बोथ हैंड्स एंड लेग्स बोथ आपको क्या करना है इनको कट करना है। तो नॉट मोर देन 4 times ओके इन विद इन दिस 15 डे में लेस देन 3 ओके ये आपको क्या करना है फॉलो करना ही है, मोर देन 3 नहीं होना चाहिए। अभ्यंग इज पर्टिकुलर ऑयल मसाज टू आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड अभ्यंग। तो सर्व शरीर स्निग्ध मृदु तेल द्रव्य से मर्दन करने की क्रिया को अभ्यंग कहते हैं। तो शिरोर अभ्यंग सिर में जो तेल लगाते हैं पादाभ्यंग जो हम अपने सोल ऑफ द फुट जो तेल यूज़ करते हैं पादाभ्यंग। कर्णपूर्ण मीन्स जो हम ऑयल का एप्लीकेशन अपने कानों में जो यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड कर्णपूर्ण ओके। बहुत सारे लोग अभी भी रूरल एरिया में होता है कि रूरल एरिया में वहाँ पे अभी भी होता है ये कि अगर कोई भी कर्ण में इरिटेशन है कर्ण ईचिंग हो रहा है या फिर कर्ण से कोई पुय स्त्राव अगर आ रहा है ऊजिंग हो रहा है तो डेफिनेटली दे आर यूजिंग अ काइंड ऑफ सीजमम ऑयल ड्रॉप ओके इन टू द पर्टिकुलर ईयर ओपनिंग ओके। तो इससे होता है कि जो तीक्ष्णता होती है उस पर्टिकुलर तेल की वजह से उससे जो बैक्टीरिया जो वहाँ पे होते हैं दे गेट डाई एंड अल्टीमेटली जो स्त्राव जो होता है जो ईचिंग वगैरह जो होती है वो सबसाइड हो जाता है डेफिनेटली वो क्योर हो जाता है। तो वो पहले के टाइम में अभी भी यूज़ होता है बहुत सारे लोग अभी भी यूज़ करते हैं। आयुर्वेदा में यही मेंशन भी है कि कर्णपूर्ण आपको करना है। तो
वातजन्य कर्ण रोग, मन्याग्रह, हनुग्रह और जो आपके जो हाइयर जो पिच होती है, ओके, बाधरी नाश, ये सभी क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। किन किन लोगों को नहीं करना है, देखिए आमदोष, अजीर्ण, नवज्वर, वमन विरेचन एवं बस्ती से युक्त एवं संतर्पण जन्य रोगों में आपको अभ्यंग नहीं करना है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अभ्यंग ऑयल मसाज होता है बॉडी के ऊपर और कफ से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, संतर्पण जन्य वाले जो व्यक्ति होते हैं, ओके, उनका अगर ऑयल मसाज करें डेफिनेटली वो और संतर्पित करेगा बॉडी को और वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन पर्टिकुलर बॉडी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो डेफिनेटली वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब और दैट वी शुड नॉट टेल टू पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ पर्सन, ओके। तो व्यायाम देखिए, परिभाषा, मात्रा, व्यायाम के लाभ और अयोग्य 4 पॉइंट में आपको व्यायाम खत्म करोगे। तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिर चलता बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्या था, मात्रायाम था समाचरे। तो शारीरिक चेष्टा जो हम करते हैं स्थिरता और बल को बढ़ाने के लिए, दैट इज नथिंग बट आवर व्यायाम। अर्धशक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के लाभ देखिए, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेरे संक्षेम विभक्त गण गात्रत्वम व्यायामात् उपजायते। तो ये पर्टिकुलर क्या है, शरीर में लघुता, काम करने की शक्ति में वृद्धि होती है, शरीर में स्थिरता को सहने की शक्ति बढ़ती है, ओके, वातदी दोषों का शमन होता है, अग्नि की वृद्धि होती है, मेदों का शमन होता है, ओके, संतर्पण जन्य रोग कम होते हैं, डेफिनेटली दिस इज आवर व्यायाम के लाभ। किन किन लोगों को नहीं करना है, जो अत्यधिक सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल होते हैं उन्हें नहीं करना है, अत्यधिक भार वहन या जो ढोने वाले होते हैं उन लोगों को नहीं करना है, अधिक पैदल गमन वाले लोगों को व्यायाम नहीं करना है, ओके, क्रोध, शोक, भय, श्रम एवं रक्तपित्त यानी मतलब जिनको हमेशा ब्लड बाहर आते रहता है, ब्लड बाहर आते मीन्स कहीं नेजल ब्लीडिंग आता है, एपिस्टैक्सिस है, कहीं हेमेटोमेसिस है, कहीं हेमेटोफिसिस है, ओके, तो कहीं भी रूट से जिनको ब्लड आता है डेफिनेटली रक्तपित्त व्याधि होने बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको करना है व्यायाम, कॉन्ट्रा इंडिकेशन करना है। चक्रमण देखिए, जिस परिभ्रमण, चक्रमण मीन्स टहलना, तो शरीर में विशेष वेदना न उत्पन्न हो चक्रमण कहलाता है, और यह वायु, आयु, बल, मेधा एवं अग्निवर्धक होता है। उद्वर्तन, उद्वर्तन पाउडर मसाज, पाउडर मसाज कैसे करना है, अगेंस्ट द योर हेयर रूट, ऐसा नहीं जैसे आपके हेयर्स अगर प्रॉपरली अगर सीटेड हो जाए, दैट इज़ नॉट आवर वे टू अप्लाई पाउडर मसाज। पाउडर ऑयल मसाज जो होता है वो हम टू द डायरेक्शन ऑफ हेयर जाते हैं, लेकिन अगेंस्ट द डायरेक्शन हमें क्या करना है, उद्वर्तन करना है। तो उबटन लगाकर वातनाशक कफ और मेद को पिघलाने के लिए हम उद्वर्तन करते हैं, ये आपको एम समझना है कि उद्वर्तन हम क्यों करते हैं, जो भी कुछ मेद होते हैं, जो भी कुछ कफ होते हैं उनको पिघलाने के लिए या फिर उनका शमन करने के लिए वी आर यूजिंग द उद्वर्तन। स्नान देखिए, बाथिंग, स्नान करने के लिए आपको मनुष्य को पवित्रता, वृष्यता एवं दीर्घायु मिलती है स्नान प्रॉपर तरीके से करने के लिए करने से। स्नान का निषेध बताया गया है कि डायरिया में, ज्वर रोगों में, कर्णशूल, नेत्र रोग, पीनस, राइनेटिस अगेन एंड अगेन, ओके, वात व्याधि, आत्मान, अरुचि, अजीर्ण तथा भोजन करने के बाद आपको स्नान नहीं करना है, ओके, दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बाथिंग। अनुलेपन बताया गया कि भाग्य को देने वाला, वर्ण को उत्तम करने वाला, प्रीति, ओज एवं बल बढ़ाने वाला, शीत ऋतु में अगुरु एवं चंदन का गाढ़ा लेप आपको यूज करना है, और ग्रीष्म ऋतु में आपको चंदन का लेप करना चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट आवर सीजन रेजिमेन, ओके, विथ आवर अनुलेपन। लास्टली हमारा था वस्त्रादि धारण, कैसे टाइप के हमें वस्त्र का धारण करना है। तो निर्मल स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करना है, इसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट स्मॉल चाइल्ड। तो डेफिनेटली आचार्य ने बताया है और पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेट दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, अदरवाइज ये छोटी छोटी चीज़ें इज़ नॉट पॉइंटिंग हियर, ओके, इज नॉट पॉइंट टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने का, दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो दैट इज़ यू ऑल नो वेरी वेल, बट डेफिनेटली आचार्य ने क्या बताया गया है और जो आपको पता है उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज़ अवर एम ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके। तो वस्त्र धारण किस वे में करना है ये आपका एक पॉइंट आएगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट आएगा। तो सर टोटल 20 पॉइंट्स, दिस इज आवर क्रम ऑफ अवर दिनचर्या। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिनचर्या क्रम। तो जो भी कुछ मैंने पॉइंट्स बताया, एक एक पॉइंट्स को आपको फर्दर सब पॉइंट में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर आपको दिनचर्या वाला जो LAQ है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ओके, थैंक यू।